एग्जाम्पल नंबर सिक्स आपके दे रखा है, हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी वो बना हुआ है, इसमें आपके ए बी जो है वो है आपका 5 सेंटीमीटर, ए बी कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, और ए सी भी कितना दे रखा है आपके 30 डिग्री दे रखा है। हमें फाइंड करना है बी सी कितना होगा और ए सी कितना होगा, हमें ये भी फाइंड करना है और ये भी क्या करना है भी आपको फाइंड करना है। बिल्कुल इजी, देखो ध्यान देना भाई। अब हमें देखो ध्यान है, सिंपल, एक तो ये वाला फाइंड करना है, थीटा यहां पर है, एंगल यहां बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा भाई आपके बेस होगा, ये आपके परपेंडिकुलर और ये आपके होने वाला है हाइपोटेन्यूस होने वाला। तो देखो ध्यान देना भाई, आपको पता ही है ना वो नियम पी बी पी एच एच बी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए आराम से, ये साइन कॉस और टेन के लिए। जैसे मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पी से एच फाइंड करना, क्या लेना पड़ेगा, साइन लेना पड़ेगा। देखो ध्यान देना, सिंपल सा, हमें लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल साइन लेना है, क्या लेना भी हमें साइन लेना है, ये ले लिया भी हमने साइन, कितना डिग्री है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, परपेंडिकुलर आपके देर का है 5 और हाइपोटेन्यूस का मतलब हो गया ये वाला एसी साइड, साइन 30 का वैल्यू हमें ये लिखना है, पी की जगह पी लिखो, एच जगह एच लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एसी आपके आने वाला है 10 सेंटीमीटर, ये आएगा हमारे फर्स्ट का आंसर। अब हम लेते हैं सेकंड, देखो हमारे पास पी दे रखा है, पी दे रखा है, बी फाइंड करना है और पी और बी आता है आपके 10 के अंदर, तो मैं यहां लेता हूं 10, कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो 10 30 का मतलब क्या होता है, ये लिखा हुआ है 10 का मतलब होता है पी बाई बी। अब 10 30 का वैल्यू टेबल में कितना होता है 1/√3 पी बाई बी, तो पी कितना है आपका 5 है और बी कितना है आपको फाइंड करना है, हमें यहां पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और देखो बी की जगह आप लिख सकते हो बीसी साइड लिख सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बीसी इज इक्वल टू हो जाएगा 5√3 और ये आएगा इनका आंसर। एग्जांपल नंबर 7 दे रखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर जो है राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, पी क्यू हमारे पास 3 है, पी आर हमारे पास 6 है, तो हमें बताना है क्यू पी आर और पी आर क्यू कितना डिग्री होगा, ये कितना डिग्री है और ये कितना डिग्री हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल, देखो ध्यान देना, हम क्या करेंगे इसको मान लेते हैं थीटा, थीटा का मतलब हो गया इसके पास बेस है और यहां पर आपका परपेंडिकुलर है और 90 के सामने होता है आपका हाइपोटेन्यूस। अब हमें एक चीज लेना है वो ये है साइन कॉस 10, जिसका मतलब होता है पी बी पी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब हमें यहां पर चेक करना है कि हमारे पास जो साइड दे रखी है, एक तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और एक हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, दोनों गिवन है। अब पी और एच हमारे पास गिवन है, हम क्या करेंगे पी एच पर ही ध्यान देंगे, हमारे पास पी भी गिवन है एच भी गिवन है, हमें इसको लेना है, तो यहां पर हम लेते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू है भी आपके पी बाई एच। अब साइन थीटा का साइन थीटा पी बाई एच मतलब पी क्यू और पी आर, हमें यहां लेना है पी क्यू अपॉन पी आर, जो दे रखा है आपके पी क्यू आपका 3 है और पी आर आपका 6 है। अब यहां लेते हैं हम साइन थीटा, और देखो दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, दोनों में 2 का डिवाइड जाता है 1 टाइम और यहां पर आपके 2 टाइम, टेबल आपको पता होगी, ये तो आपका साइन थीटा है
और ये 1 बाई 2 है। अब 1 बाई 2 साइन की टेबल में कब आता है, तो टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये 1 बाई 2 जो है ना वो आता है आपके साइन 30 डिग्री में। कब आता है अभी, साइन 30 में, ये मैंने अभी बताया था, ये यहाँ बताया था साइन 30 का मतलब 1 बाई 2, ये है तो ये लिखना है और ये है तो ये लिखना है। तो 1 बाई 2 का मतलब होता है आपके साइन 30। अब आप देखेंगे ये वाला और ये वाला आपके इक्वल है, इसका मतलब है थीटा कितना आएगा आपके 30 डिग्री। थीटा ये वाला, इसका नाम है पी आर क्यू, ये रहा आपके पी आर क्यू। हमारा पी आर क्यू जो है वो आ गया है अभी आपके 30 डिग्री। अब हमें लेना है वो एंगल लेना है, ये वाला, तो ये वाला लेना है तो देखो पता ही है तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर आपको एंगल QPR चाहिए, ये रहा, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से दो हमें मिल चुके हैं। अब 180 में से आपको पहले तो ये माइनस करना है जो 90 है, फिर ये माइनस करना है जो हमने फाइंड कर रखा है 30 डिग्री। तो ये होगा 180 में से माइनस करेंगे यहां पर 120, तो हमें मिलेगा यहां पर 60 डिग्री। ये होगा इसका आंसर। एग्जांपल नंबर 8 आपके दे रखा है, ये है साइन ए माइनस बी का वैल्यू और ये है कॉस ए प्लस बी का वैल्यू। और यहां पर हमारे पास गिवन है कि आपका ए और बी को अगर आप ऐड करोगे, ए और बी को जोड़ोगे तो 0 से 90 के बीच में आने वाला है, 0 से 90 तक आएगा या 90 के इक्वल भी हो सकता है, 0 टू 90 के बीच में आएगा। और ये कह रहा है कि ए का वैल्यू बड़ा आएगा और बी का वैल्यू छोटा आएगा, ये भी ध्यान रखना है। बताओ ए और बी कितना होगा, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा ध्यान देना भाई। हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी इजिकल टू दे रखा है 1/2। हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ए 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन 30 होता है। तो हमें लिखना है, इसको वापस लिखेंगे और यहां लिखेंगे साइन 30। तो हमें क्या करना है, इसको सेम लिखना है और यहां लिखेंगे ए प्लस बी। अब इधर आपके साइन, तो इधर भी साइन लेके आओ, तो ये जो वैल्यू है वो आपका साइन 30 के इक्वल है। अब आपको मालूम होगा कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके, सेम रहेंगे। और साइन का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, साइन बीच में क्या है अभी आपके माइनस है, तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना, ये दोनों सेम तो ये भी सेम आएगा। हमें यहां लिखना है ए माइनस बी इजिकल टू कितना हो गया अभी आपके 30 डिग्री। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम चलते हैं इस पर, देखो ध्यान, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इसका वैल्यू हमारे पास दे रखा है 1/2 दे रखा है। अब सेम ऐसे ही करना है आपको, जैसे यहां पर हमें दे रखा है कॉस ए बाई टू दे रखा, ए प्लस टू बी दे रखा है ना, साइन देखो 1/2 साइन में आता है साइन 30, लेकिन इधर कॉस, इधर भी कॉस लाना है। और 1/2 कॉस में कब आता है, 1/2 आता है आपके कॉस 60 में आता है, 1/2 कॉस की टेबल में 60 डिग्री पर आता है। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए आराम से। अब आप देखोगे सिंपल सा, आपको ध्यान देना है ये वाला कॉस और ये वाला कॉस आपका इक्वल है, इसका मतलब है इसका वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी का वैल्यू कितना आने वाला है आपके, 60 डिग्री आने वाला है। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके 2। अब हमें लेना है इक्वेशन 1 और 2 को लेकर सॉल्व कर दो, ए और बी फाइंड कर लो। एक तो हमारे पास है ए माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और एक ये दे रखा आपके ए प्लस बी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 60 डिग्री। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। साइन चेंज कर देते हैं, करो साइन चेंज। देखो भाई ये इससे कट जाएगा, 1a और 1a हो जाएगा आपके 2a, इनका सम हो जाएगा आपके 90। a का वैल्यू फाइंड कर लो, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में,
और ए का वैल्यू आएगा 90 अपॉन 2, तो ये आता है आपके 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, ए का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर पुट करके सॉल्व कर लो। तो यहां पर हम लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, हमें सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, यहां रखते हैं ए का मतलब 45, प्लस का प्लस, बी का बी और 60, बस ए की जगह आपको 45 रखना है। ये प्लस का है उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, और बी का वैल्यू आपके आ जाएगा 60 माइनस 45, करो माइनस, तो ये आता है आपके 15 डिग्री, ये आएगा इसका एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके देर का है। हमें इवैल्यूएट करना है, जो देर का है इसका इवैल्यूएट करना है। इसके लिए हमें टेबल याद होनी चाहिए, ये है टेबल, आप जाते ही बना देना, वैसे नहीं बनाओ तो चलेगा, प्रैक्टिस करोगे अगर आप 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन मिला लोगे तो आपको धीरे धीरे वैसे ही याद हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास देर का साइन 60, ये रहा साइन और ये रहा 60, ये यहां मिलता है। देखो हमें इधर और इधर क्रॉस करना है, जैसे ये और ये क्रॉस करेंगे तो यहां पर क्रॉस होगा, इसका मतलब होता है √3/2, तो यहां लिखना है आपको √3/2 होता। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई। अगला है cos 30, तो ये रहा cos और ये रहा 30, मतलब यहां पर √3/2 होता है, हमें यहां लेना है √3/2 लेंगे। फिर करते हैं प्लस, अब पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में हम लेते हैं प्लस। अब है cos 30, cos 30 का अगर आप देखोगे यहां से ये होता है, इधर से ये होता है, इधर से उधर से मैच करना है, तो वो होता है आपका 1/2 होता है, हमें यहां पर लेना है 1/2 लेना है। cos 60, देखो ये रहा भाई, ये और ये इधर मैच हो रहा है, यहां पर 1/2 होता है, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। आपको बस वैल्यू पुट करना है टेबल को देखकर। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √3 होता है √9 और 9 का रूट होता है 3 और 2 का कितना होता है आपके 4 होता है। 1 × 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 का कितना होता है आपके 4 होता है, 4 लेंगे हम एलसीएम, ये दोनों सेम है तो ये भी सेम रहेगा 3+1, ये होता है 4 और यहां भी ये 4 और 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो ये जाएगा आपके 1 टाइम, इसका आंसर आएगा आपके 1। बस ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी है। अब इसी को हम वापस से यहां पर करते हैं, देखो सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास देर का है 10:45, अब देखो 10:45 का वैल्यू कितना होता है ये आपको टेबल को देखकर बताना है, तो यहां दिखा देता हूं, 10 ये रहा और 45 ये रहा, मतलब ये नंबर ऐसा है इधर 45 भी आ रहा है और आपके 1 भी आ रहा है, हमें यहां पर लेना है 10 का मतलब होता है आपके 1, ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, इधर देर का आपके 2 देर का। अगला है आपके प्लस का प्लस, cos 30, यहां देखो ये रहा भाई, cos 30 का मतलब होता है ये लिखा हुआ √3/2, तो यहां पर लिखने वाले हैं √3/2 पर लगा हुआ स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे हम स्क्वायर देंगे। फिर माइनस का माइनस, साइन 60, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 होता है, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं √3/2 और यहां पर है आपके होल स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा है भाई। देखो ये वाला सेम कट गया, क्योंकि ये सेम प्लस में भी है और ये सेम माइनस में भी है, ये कैंसिल हो गए। अब 2 का 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है,
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है 2 1 2 होता है, ऐसे करेंगे उसका आंसर आपको मिल जाए। थर्ड कॉस 45, ये रहा कॉस और ये रहा 45, कितना दे रहा है 1/√2 दे रखा, तो आपको यहां को लेना है 1/√2, ये लिया हमने ये वाला। फिर है sec 30, ये रहा sec और ये रहा 30, sec 30 2/√3, तो ये आएगा आपके 2/√3, फिर प्लस का प्लस cosec 30, तो ये रहा cosec और ये रहा 30, cosec और 30 कितना दे रखा आपके 2 दे रखा। इसको सॉल्व करना है आप, और इसमें क्लास 9 का नियम भी ध्यान रखना है, वेस्ट लाइट द डिनोमिनेटर अगर होता है तो यहां पर हम कुछ नहीं करने वाले, ऊपर तो आपका सेम रहने वाला है, और यहां पर हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, हमें यहां पर लेना है एलसीएम लेंगे जो आता है √3। अब ये और ये सेम, ऊपर वाला भी सेम रहेगा, और जब यहां कुछ नहीं हो डिवाइड में तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आता है 2√3 होता है। अब ये नंबर आएगा नीचे और ये हो जाएगा उल्टा, तो ये नंबर तो आएगा ऐसे, इसका होगा रेसिप्रोकल √3/, ये नंबर हो गया आपके 2+√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें यहां पर मिलने वाला है ये नंबर √3/√3, और यहां पर आपको इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, होता है 2√3, 2√2 होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर प्लस का प्लस इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो वो होगा आपके 2√6 होता है। अब यहां पर जो कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेते हैं यहां पर देखो, अब यहां पर आपका √3 है ही, अब 2 इधर भी है 2 इधर भी, 2 क्या ले लिया हमने कॉमन ले लिया, इधर बच गया आपके √2 और इधर है आपके √6, यहां तक आने के बाद अब आपको करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहां पर आंसर यहां तक ही है लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर जो आप क्लास 9th में करते थे वो करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है आप, जो आप 9th क्लास करते थे वो आपको यहां पर करना है। करो यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास ये नंबर लेना है, इसमें लिखा हुआ है √3/√2+√6। अब ये नंबर आपका प्लस में है, हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस में लेना है, मल्टीप्लाई करना है, यहां पर लेंगे हम √2-√6 और इधर आपके आने वाला है √2-√6, मतलब ये प्लस में है तो यहां पर आपको माइनस में लिखना है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो पहले इसको यहां मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो √18 आता है, अब यहां पर देखो 2/2, अब ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पर आपके आने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी है इधर भी है, कॉमन भी आप ले सकते हो चाहो तो ले सकते हो आपकी इच्छा हो तो, √6 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या आया 6 से 6 कैंसिल 1 टाइम, और 6 का डिवाइड यहां जाता है आपके 3 टाइम जाता है, इधर देखेंगे यहां पर 2/2 और यहां पर देखो
स्क्वायर हट गया तो रूट हट जाएगा, टू आएगा और सिक्स आएगा, स्क्वायर गया रूट गया दोनों पर। इधर आपको कुछ नहीं करना है, इधर आपको सेम रखना है। और यहां पर क्या हो जाएगा, टू और ये माइनस का फोर, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा ना, अगर मैं दोनों मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, टू फोर जा माइनस एट, यहां पर लिख सकते हो माइनस का एट। अगर इस माइनस को प्लस बनाना है तो हमें दोनों के साइन चेंज करने पड़ेंगे, जैसे यहां हो जाएगा रूट सिक्स एंड रूट थ्री माइनस वन अपॉन, ये प्लस का हो जाएगा। आपकी इच्छा है तो ऊपर वाला कॉमन लो, नहीं तो यही रहने दो, इसको आगे पीछे कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, या तो ऊपर ये वाला है या ऊपर ये वाला, लेकिन डिवाइड में आपका एट है, डिवाइड में आपका एट रहने वाला है। मतलब इसमें जो मेन हार्ड चीज है वो है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ऐसे आपको एलसीएम वगैरह लेने में थोड़ी आपको दिक्कत आ सकती है। हमें करना है इवैल्यूएट करना है फोर्थ का, तो क्या करेंगे, देखो साइन थर्टी का मतलब क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये साइन थोड़ा छोटा बनाते हैं। साइन थर्टी का मतलब होता है साइन थर्टी ये रहा वन बाई टू, हमें यहां पर लिखना है वन अपॉन टू प्लस का प्लस, फिर हमें लिखना है यहां पर टेन फोर्टी फाइव, टेन फोर्टी फाइव मतलब होता है वन, ये फोर्टी फाइव है ये टेन है वन होता है, कोसेक 60, ये रहा कोसेक और ये रहा 60, टू बाई रूट थ्री, तो ये आने वाला है आपके टू अपॉन रूट थ्री। अब आते हैं हम सेक 30, ये रहा सेक और ये रहा 30, टू बाई रूट थ्री, टू अपॉन अंडर रूट थ्री, फिर आता है प्लस कॉस 60, कॉस 60 का मतलब होता है ये रहा वन बाई टू, फिर है आपके कॉट 45, और कॉट 45 का मतलब होता है ये रहा वन होता है, यहां लिखते हैं हम वन, ऐसे आपको लिखना है, टेबल को मतलब है नहीं आपका। ये हो गया, अभी हमारा वैल्यू हमने पुट कर दिया है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सिंपल सा सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान देना, ये आपकी वो मेन लाइन है ये वाली, ऊपर हमें लेना है एलसीएम, तो हम क्या करेंगे यहां पर लेते हैं ऐसे, और एलसीएम आएगा टू भी आएगा रूट थ्री भी आएगा, तो यहां लेते हैं टू रूट थ्री। अब देखो टू से टू कैंसिल, तो क्या बच गया रूट थ्री, रूट थ्री इंटू वन करेंगे तो हमें मिलेगा यहां पर रूट थ्री, प्लस का प्लस, यहां कुछ नहीं है डिवाइड में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वन को यहां मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा आपके टू अंडर रूट थ्री आएगा, और यहां से देखो इसमें रूट थ्री कैंसिल, ये आएगा टू टू या फोर, अब आते हैं यहां पर, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, टू अंडर रूट थ्री कॉमन आ रहा है। अब रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, टू इधर बचा है टू इधर, टू टू कितना हो गया आपके फोर हो गए, प्लस का प्लस, टू से टू कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री इंटू वन करेंगे तो आएगा आपके रूट थ्री, प्लस का प्लस। अब यहां पर वन है तो हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो दिया आएगा आपके टू अंडर रूट थ्री आएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे आपको मिलेगा कि ये नंबर जैसा है वैसा यहां पर है, ये हो गया आपका कैंसिल, सेम नंबर यहां पर भी है डिवाइड में और यहां पर भी है डिवाइड में, हमने कर दिया कैंसिल। अब हमें क्या करना है, एक तो इसको लिखना है, देखो यहां पर ये है आपका वन टाइम और ये है टू टाइम, वन टाइम प्लस टू टाइम इजिकल टू होता है थ्री टाइम रूट थ्री, फिर देगा आपके माइनस का फोर। अब देखो मैंने रूट थ्री आगे लिखा है तो यहां पर भी आगे लिखो,
टू टाइम यहां पर है और वन टाइम यहां पर है, तो टू टाइम प्लस वन टाइम इक्वल टू होता है थ्री टाइम रूट थ्री। फिर बचा हुआ आपके प्लस का फोर, तो यह आएगा प्लस का फोर, बस एक साइन का फर्क है बाकी सब सेम। अब हमें यहां पर करना पड़ेगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, जो मैं यहां करूंगा और यहां हमें लिखना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, लाइज द डिनोमिनेटर डेनोमिनेटर। सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान देना, हमारे पास जो नंबर है इसको पहले इसको लिखेंगे यहां पर, क्या लिखा हुआ है थ्री रूट थ्री माइनस फोर अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस फोर। अब ये माइनस में भी है और ये प्लस में भी है। अब हमें क्या रेशनलाइज करना, क्या करेंगे इस नंबर को लेंगे यहां पर थ्री रूट थ्री। अब यहां पर आपके प्लस है ना, तो यहां पर हमें लेना पड़ेगा माइनस, और ये चीज आपने क्लास नाइन्थ में किया होगा, क्लास नाइन्थ में करते हैं ऐसा किया होगा आपने, मतलब ये नंबर को हम यहां और यहां मल्टीप्लाई करते। अगर मैं देखो ये, देखो ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है, यहां पर क्या आएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम है ये आ गया। और यहां पर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब होगा आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ये पूरा सेम है, ये आ जाएगा आपके होल स्क्वायर। और ये वाला एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। अब यहां लिखनी है हमें आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है भाई आपके ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी प्लस बी का आ जाएगा होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ध्यान देना भाई स्क्वायर गया तो रूट गया, स्क्वायर सॉल्व करो उसको, देखो थ्री का मतलब होता है नाइन और रूट थ्री का होता है थ्री, सॉल्व करेंगे कितना आता है ट्वेंटी सेवन आता है। और यहां को दस फोर फोर या सिक्सटीन, इसका हमने यहां सॉल्व किया था ये रहा, इसका मतलब होता है ट्वेंटी सेवन, और यहां पर टू थ्री या सिक्स, सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर रूट थ्री प्लस इसका हमने कहता फोर कितना होता है सिक्सटीन होता। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं, देखो ट्वेंटी सेवन में से सिक्सटीन गया, यहां पर हम माइनस करते हैं तो ये आता है आपके इलेवन। आगे सॉल्व करेंगे इसको, देखो ध्यान है मैं यहां लिख देता हूं इसका उत्तर, मैं यहां लिख देता हूं ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 27 प्लस 16 होता है आपके 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 डिवाइड में आएगा आपके 11 और ये आने वाला है आपका आंसर। फिफ्थ आपको दे रखा है यहां पर, सो सॉल्व करना है, देखो ध्यान दे, ये है वो लाइन जो मेन लाइन है 5 का 5 cos 60, cos 60 का वैल्यू होता है 1 बाई टू, हमें यहां पर लेना है 1 बाई टू और यहां पर कर देंगे हम होल स्क्वायर प्लस 4 का 4 sec 30, sec 30 का वैल्यू होता है 2 बाई रूट 3, ये आने वाला है 2 अपॉन अंडर रूट 3 और ऊपर है भी आपके होल स्क्वायर, और tan 45 का वैल्यू होता है आपके 1 का स्क्वायर कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन 2 का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू होता है ये रहा अंडर रूट 3 बाई 2 का आ जाएगा यहां पर आपके होल स्क्वायर। तो टेबल आपको याद है तो आराम से कर सकते हो, सिंपल है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो ध्यान देना, ये है वो मेन लाइन ये वाली,
ऊपर क्या लिखा हुआ फाइव, और देखो यहां पर वन का वन और टू का कितना होता है फोर होता है, यहां लिखेंगे हम वन बाई फोर। फिर है प्लस का प्लस, फोर का फोर तो सॉल्व करेंगे, टू का फोर और थ्री का थ्री रहेगा, टू का हो जाएगा फोर और थ्री का थ्री ही रहेगा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ अंडर रूट भी है, और पीछे दे रखा आपके माइनस का वन। अब आते हैं यहाँ, स्क्वायर हटेगा ये होगा वन बाई फोर, यहां पर हमें लिखना है वन बाई फोर, और यहां पर स्क्वायर जाएगा तो रूट भी जाएगा और टू का फोर हो जाएगा, यहां पर आएगा थ्री और ये हो जाएगा फोर, तो यहां पर हमें लिखना है थ्री अपॉन में फोर। अब यहां सॉल्व करते हैं, ये आता है फाइव बाई फोर प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन बाई थ्री, तो यहां लेते हैं हम सिक्सटीन अपॉन में थ्री, फिर है आपके माइनस का वन, यहां सॉल्व करेंगे देखो फोर आता है आपके एलसीएम, ये सेम ऊपर वाला भी सेम आएगा वन प्लस थ्री, ये वो मेन लाइन। हम क्या करेंगे यहां पर लेने वाले एलसीएम कितना आ रहा आपके 12, ये 12 आएगा भाई आपके यहाँ पर एलसीएम, मैं यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर आपके 12 आने वाला है एलसीएम। 4 की टेबल में 12 आता है 3 टाइम, और 3 इंटू 5 करेंगे तो होता है 15 प्लस का प्लस, 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम, 4 इंटू 16 करेंगे होता है 64, और जब डिवाइड में कुछ नहीं हो तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ये आता है 12 बन जा 12। अब यहां पर देखो 3 प्लस 1 कितना होता है 4 बाई 4, अब यहां पर है भी आपके 12, ये मेल नहीं। अब देखो ये तो 64 है, अब इनको सॉल्व करते हैं, इसके साथ ये वाला ऐड करते हैं। देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, 15 में से 12 गया कितना आया 3, नंबर बड़ा कौन सा है प्लस का नंबर बड़ा है, और 4 में 4 का डिवाइड करने कितनी बार जाएगा 1 टाइम जाएगा, किसी में 1 का डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसा है वैसे रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड करेंगे होता है 67, और डिवाइड कितना देगा आपके 12, ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके देर का है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, जस्टिफाई योर चॉइस, और उसको जस्टिफाई भी करना है कैसे आया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान देना, टेबल आपको मालूम होनी चाहिए, टेबल के अंदर 10:30 का वैल्यू क्या आता है वो आपको आना चाहिए। देखो आगे लिखा हुआ है 2 तो हम लिखेंगे 2, 10:30 का वैल्यू टेबल में होता है 1 बाई रूट 2, तो हमें यहां पर लेना है 1 बाई रूट 3 होता है, टेबल में 10:30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3। अब आगे लिखा हुआ है 1 का 1 और 10:30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ नहीं था लेकिन यहां पर आपके स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे यहां पर स्क्वायर लगाएंगे, पहले हमें इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, बाद में इन नंबरों को ऊपर से लेना है, तो पहले हम क्या करेंगे देखो ध्यान देना भाई, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं 2 वन जा 2 रूट 3। अब आते हैं यहां पर, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं 1 का 1 प्लस का प्लस, 1 का 1 होता है और रूट गया स्क्वायर गया क्या आएगा 3, मतलब अगर इस ब्रैकेट को हटाएंगे ना तो 1 बाई 3 बनेगा। अब जब तक ये दोनों ऐड नहीं हो गए नंबर को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे ऊपर में तो सेम लिखने वाले हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, यही लिखेंगे ऊपर, और यहां पर हमें लेना है एलसीएम, तो क्या आएगा भाई आपके
थ्री आएगा आपके एलसीएम। जब यहां कुछ नहीं हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, थ्री वन जा थ्री, और थ्री थ्री सेम, ऊपर वन भी आपके सेम। अब हम आगे लेते हैं, यहां पर ये वो मेन लाइन है, ऊपर आपके लिखा हुआ है टू अपॉन रूट थ्री, और यहां पर आता है थ्री प्लस वन होता है फोर अपॉन थ्री। जैसे ही नंबर नीचे वाला एक होता है, अब हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे नीचे और ये हो जाएगा उल्टा। ध्यान आते देखो, ध्यान देना, इसको लाएंगे ऊपर वाले को लिखेंगे नीचे, और इसको करेंगे उल्टा। क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल। ये हो जाएगा आपके थ्री बाई फोर, जो कट रहा है वो काट दो। देखो इससे ये हो गया आपके कैंसिल टू टाइम, हमें यहां पर क्या मिला है, हमें मिला है थ्री अपॉन टू रूट थ्री। अब हमें करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कम से कम दो नंबर का होता है डिनोमिनेटर। जैसा हम क्लास नाइन्थ में करते वैसा करना सेम आपको। हमारे पास नंबर दे रखा है थ्री अपॉन टू रूट थ्री, हम क्या करेंगे, रूट थ्री देखो यहाँ मल्टीप्लाई में, इसको नहीं लेंगे तो भी चलेगा, रूट थ्री लिखा हुआ है, हमें रूट थ्री यहां भी लेना है और हमें रूट थ्री यहां भी लेना है। तो क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये होता है थ्री रूट थ्री होता है, और ये टू का टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आता है थ्री, जो कट रहा है वो काट देते हैं, थ्री से थ्री कैंसिल, हमें मिला है स्क्वायर रूट थ्री बाई टू। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आपके साइन 60 का वैल्यू है, या हम कह सकते हैं कॉस 30 का वैल्यू है, इन दोनों में से कोई भी एक है तो आपका उत्तर है। यहां पर कौन मिल रहा है आपके, कॉस 60 नहीं चाहिए, साइन 60 चाहिए, साइन 60 या फिर कॉस 30, ये आएगा इसका आंसर, ए हो जाएगा आंसर। सेकंड आपके देर का है, हमें इसका वैल्यू बताना है, वन का वन माइनस का माइनस, वन का वन प्लस का प्लस। हमारे पास है 1045, 1045 का वैल्यू टेबल में होता है वन, और यहां करेंगे वन का स्क्वायर, और यहां पर भी करेंगे वन का स्क्वायर। 1045 का मतलब होता है वन होता है। अब देखो वन का वन, वन का स्क्वायर भी वन ही होता है, दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो, दोनों को प्लस करेंगे तो टू आता है, और जीरो में टू का डिवाइड करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, और जीरो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना, डी हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट। सिंपल है, टेबल का वैल्यू पुट करना। अब यहां देखो, यहां हमारे पास दे रखा है साइन ए इज इक्वल टू टू साइन ए, हमें बताना है कि ए का वैल्यू क्या रखें कि हमारा आंसर मिल जाए, तो हमें इसको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं ऑप्शन ए लेते हैं, ए की जगह हम क्या मानते हैं, ए की जगह जीरो मान लेते हैं, मान लो कि यहां पर जीरो डिग्री होता, और इधर भी यहां पर क्या लिखते हैं, जीरो डिग्री लिखते। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, इधर भी करेंगे तो जीरो होता है, सॉल्व करेंगे तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप बाकी वालों में ट्राई करोगे तो हो गई नहीं, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो मैं ये ट्राई करता, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन ए और टू साइन ए लिखा हुआ है, यहां मैंने ट्राई किया जीरो डिग्री, अब ट्राई करते 30 डिग्री ट्राई करो, देखो अगर मैं यहां पर 30 डिग्री ट्राई करता हूं, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2,
और देखो आप सिंपल सा ध्यान है, 2a है यहाँ पर, कितना है 2a है। अगर यहाँ 2a है, पूरे बता वापस एक मिनट, ये वापस बताता हूँ। ओ देखो थर्ड आपके देर का है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है अगर a का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ट्रू है, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हमें क्या करना, हर एक को ट्राई करना पड़ेगा अभी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन 2a और इधर लिखा हुआ है 2 साइन a लिखा हुआ है। अब देखो साइन का साइन, 2 का 2, a का वैल्यू दे रखा है आपके 0 डिग्री मान लो, और यहां पर भी हम लिखने वाले हैं 0 डिग्री। देखो यहां पर तो पास पास में है तो मल्टीप्लाई होगा, यहां मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपके साइन 0 डिग्री और ये होता है 2 साइन 0 डिग्री। इधर आपके 0 होता है, इधर आपके 2 इंटू 0 होता है। आप देखोगे इधर 0 है तो इधर भी 0 हो गया, इसका मतलब आपका आंसर ये करेक्ट है। आप और भी ट्राई कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसमें ट्राई करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर 0 डिग्री ट्राई किया, आप 30 ट्राई करते तो क्या होता। देखो ध्यान, अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री ट्राई करता 2 साइन 30, मतलब जहां जहां ए है ना वहां हमने 30 लिख दिया, ये तो हो गया भाई आपका साइन 60। और इधर आके कुछ भी चेंज करने की आपको जरूरत नहीं, साइन 30 का वैल्यू होता है √3/2 और ये है आपके साइन 30। अब देखो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये और ये कैंसिल, और देखो ये और ये आपस में मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इसका वैल्यू नहीं होगा, ये भी मैच नहीं होगा, ये भी मैच नहीं होगा, केवल 0 डिग्री लिखने पर ही मैच होता है, क्योंकि 0 का डबल करने पर 0 ही आता है, अब वहां डबल करते ही वैल्यू चेंज हो जाता है, इसलिए दोनों मैच हो जाएंगे। तो ये केवल 0 डिग्री में ही होता है, अदर्स में नहीं होता है। आप सभी ट्राई कर देना, सब में ये दोनों कभी इक्वल आएंगे नहीं, 0 डिग्री होगा तो इक्वल आ जाएगा। फोर्थ आपके देर का सॉल्व करना है, इसको देखो ध्यान लगाना, ये इक्वल, ये लाइन का लाइन, ये वाली लाइन, अब 2 का 2 और tan 30 का वैल्यू होता है आपके 1/√3। ये सेम आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, इसकी तरह सेम पूरा डिट्टो जो है सेम लिखा हुआ है, फर्क क्या है यहां पर माइनस है बस, जब माइनस करो कितना आएगा 2/3 आएगा, बाकी वाला सेम है आपके, बस यहां पर आपके आने वाला है प्लस जगह माइनस आया हुआ, और कुछ भी चेंज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं 1-1/√3 का होल स्क्वायर, सेम 1 की तरह ही है आपके। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होता है 2/√3 होता है, और यहां पर 1 का 1 माइनस का माइनस 1 का 1 स्क्वायर जाएगा, रूट जाएगा, कितना आएगा आपके 3 आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, ऊपर नंबर सेम रहेगा 2/√3 और यहां पर क्या आएगा 3 आएगा आपके एलसीएम, 3 1 जा 3 माइनस का माइनस, 3 2 3 सेम, तो 1 भी सेम, ऊपर आपके आने वाला है 2/√3 और यहां है आपके माइनस करो 2/3। अब हमें क्या करना है, नंबर को लाना है ऊपर नीचे करना है, देखो ध्यान देना भाई, जो नंबर ऊपर है ना वो सेम लिखना है आपको, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और जो नंबर नीचे है उसको उल्टा कर दो, उसका करना है आपको रेसिप्रोकल करना है, तो यहां पर हम करने वाले हैं रेसिप्रोकल। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे हम, तो 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिला 3√3 मिल गया। अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, हमें यहां पर करना है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द
डेनोमिनेटर, जैसा हम क्लास नाइन्थ में करते थे सेम आपको वैसे ही करना है। अब हमारे पास जो नंबर है वो ये है, अब हमें करना है इसका रेशनलाइज करना है। तो क्या करेंगे, रूट थ्री यहां भी लिखेंगे और रूट थ्री यहां भी लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये होता है थ्री स्क्वायर रूट थ्री होता है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर ओनली थ्री आता है, थ्री टू थ्री कैंसिल और हमें मिला है यहां पर स्क्वायर रूट थ्री मिल गया। स्क्वायर रूट थ्री जो है ना ये वैल्यू है आपके टेन सिक्सटी डिग्री का भी वैल्यू है और यही वैल्यू सेम कॉट थर्टी का भी वैल्यू है। अब जो इसमें से हो वो लिखना है आपको, हमारे पास टेन सिक्सटी लिखा हुआ है इसका मतलब टेन सिक्सटी क्या होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री आपके देर का है, हमारे पास है टेन ए प्लस बी का वैल्यू ये है और टेन ए माइनस बी का वैल्यू ये है। इसने बोला है कि अगर आप ए और बी को ऐड करोगे, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसे ही बोल रहा है, अगर आप ए और बी को ऐड करोगे तो 90 आएगा या 90 से कम आएगा, 90 से बाहर नहीं जाएगा, मतलब ए और बी दोनों का सम 90 के आसपास होगा, 90 के बाहर नहीं जाएगा। इसमें ए का वैल्यू बड़ा होगा और बी का वैल्यू छोटा होगा, हमें फाइंड करना है। अब हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, टेन ए प्लस बी का मतलब हमारे पास देर का है स्क्वायर रूट थ्री देर का। अभी देखो मैंने यहां पर इसके जस्ट पहले क्वेश्चन करवाया था, टेन सिक्सटी का मतलब होता है रूट थ्री होता है, इधर भी टेन तो इधर भी टेन लेके आओ, ये हो जाएगा आपका टेन ए प्लस बी और ये जो वैल्यू है ये भी आपके टेन का वैल्यू है और ये आपका टेन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू है। अब आप देखेंगे ये वाला और ये वाला आपके इक्वल है, इसका मतलब है a प्लस बी और 60 भी क्या होगा आपके सेम होगा, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन में, ये वाला हमारे पास गिवन है tan a माइनस बी फिजिकल टू हमारे पास देर का 1/√3। अब यहां पर आपके टेन ए माइनस बी है ही है, इधर टेन तो इधर भी टेन लेके आओ। अब टेन की टेबल में ये कब आता है, ये आता है आपके टेन थर्टी में आता है, किसमें आता है भी आपके टेन थर्टी में। अब आप देखो ये वाला और ये वाला आपके सेम है, ये दोनों में क्या रहेंगे सेम, तो ये आने वाला है a माइनस बी का वैल्यू आपके आने वाला है 30 डिग्री, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। अब इन दोनों को हम चैप्टर नंबर थ्री में जो है ना एलिमिनेशन मेथड उससे सॉल्व कर देंगे। तो हम यहां लेते हैं, एक तो हमारा इक्वेशन यहां लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हमारे पास दो इक्वेशन सम तो है 60 और सब्ट्रैक्ट है 30, तो यहां पर हम करते हैं सम, a प्लस बी का वैल्यू हमारे पास है 60 और a माइनस बी का वैल्यू हमारे पास है 30, सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a और b, और b कट गया, b और b क्या हो गया अभी आपके कैंसिल हो गया, एक a और एक a हो गया आपके 2a, 2a बड़ा वाला ये लिखना है, और इनको सम करेंगे आता है आपके 90, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और a का वैल्यू आएगा 90/2, डिवाइड करो इसमें, इसका डिवाइड करने पर आता है आपके 45 डिग्री, और यहाँ लिखा हुआ है a का वैल्यू बड़ा होगा b से, मतलब जो भी आंसर आएगा अगला आंसर वो 45 से कम ही आएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, यहां लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वाला वैल्यू यहां पर रख के पुट करेंगे, यहां पर ए का वैल्यू कितना है आपके 45 है, ए का वैल्यू 45,
प्लस बी इज इक्वल टू 16। प्लस का है उधर ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, और बी का वैल्यू आपके आने वाला है 60 माइनस 45। करो माइनस, जैसे यहाँ माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलने वाला है 15 डिग्री, और ये आएगा आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, हमें बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है, हमें बताना है और जस्टिफाई भी करना है, इतना कुछ बताना है सिंपल सा कि ये सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे तो हो पाएगा आराम से। सबसे पहला हमारे पास गिवन है कि साइन ए प्लस बी इजिकल टू देर का है आपके साइन ए प्लस साइन बी, ये ऐसा लिखा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? यहां पर अलग अलग एंगल है, हम ऐसा करते हैं, ऐसा अपनी तरफ से अपने मन से ही मान लेते हैं, लेट ए इजिकल टू 60 और बी इजिकल टू ले लिया हमने 30 डिग्री। तो दोनों अलग अलग एंगल है ना, ए और बी अलग अलग है, तो दोनों ए और बी आपको रखकर ट्राई करना है। देखो ट्राई करते हैं, देखो साइन का साइन ए का मतलब है 60 प्लस 30, और यहां पर आपको लेना है साइन 30, साइन 60 और साइन 30। ट्राई करो, इसका मतलब होता है साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इसका मतलब होता है 1/2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? उसको ऐड करेंगे तो √3 + 1/2 आएगा, और यहां पर 1 आएगा, ये दोनों आपके सेम नहीं है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, आपके फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, यहां पर अगला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है अगर थीटा इंक्रीज है, थीटा को इंक्रीज करेंगे तो क्या साइन का वैल्यू, मतलब इसका वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होता है अगर थीटा हम बढ़ाएंगे तो। आप पता है टेबल आपको पता ही होगा, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। आप देखो यहां पर साइन 0 का मतलब 0 होता है, साइन 30 का मतलब होता है 1/2, इसका मतलब होता है 1/√2, इसका मतलब होता है √3/2, और फिर होता है 1। आप देखेंगे वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि 1/√2 का मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही, मतलब यहां पर आपके 1.14 आएगा, तो पता है 1, देखो ये तो 2 का डिवाइड करो और 1.4 का डिवाइड करो, फर्क आता है। जैसे जैसे आपका डिग्री बढ़ेगा आपका आंसर 0 से 1 की साइड जा रहा है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके साइन का वैल्यू भी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये जो कह रहा है वो क्या है, आपके एकदम ट्रू है। आप चाहो रफली कैलकुलेटर से डिवाइड कर देना, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, जब यहां डिवाइड करोगे तो 0.6 या 7 आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा वैल्यू। अब यही चीज इसमें कह रहा है, देखो सेम चीज अब यहां पर है अगले पॉइंट में, कॉस का वैल्यू इंक्रीज होता है जब थीटा इंक्रीज हो। देखो साइन कॉस का उल्टा होता है, साइन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉस डिक्रीज होता है। आप चाहो चेक कर लो, देखो ये कॉस है, कॉस का वैल्यू कहां से होता है, 1/2, 1/√2, √3/3/2, और यहां आता है आपके 1/2, और इधर आता है आपके 0, मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है। ये क्या है भाई, फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, 1 से 0 की तरफ जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है, अगर साइन और कॉस सेम है, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा सेम नहीं है, क्योंकि देखो ये साइन है, साइन ये इसका उल्टा होता है, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1 होता है, केवल साइन 45 ही सेम है, बाकी वाले वैल्यू सेम नहीं है। साइन 90 का 1 होता है और कॉस 90 का 0 होता है, ये वाला इक्वल नहीं है,
ये वाला भी इक्वल नहीं है, ये वाला भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, केवल एक में इक्वल होता है। अब ये बोल रहा है ऑल वैल्यू इक्वल नहीं होता है, जो ये लिखा हुआ है वो क्या है आपके फॉल्स है। नेक्स्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल ए। देखो ध्यान देना भाई, क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा, कॉट का मतलब होता है कॉस बटा साइन, क्या होता है कॉस बटा साइन होता है। इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या आएगा नॉट डिफाइंड। देखो ध्यान देना भाई, कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब के जीरो अपॉन वन, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है ए का वैल्यू जीरो डिग्री। ध्यान देना भाई, यहां पर आपके लिखा हुआ है ए का वैल्यू जीरो, इसलिए मैं ये वाला ले रहा हूं। कॉस में साइन का डिवाइड करेंगे, ये वाला जीरो अपॉन वन, ये वन अपॉन जीरो है, ये क्या दे रखा आपके वन अपॉन जीरो दे रखा है। जीरो अपॉन वन होता ना तो आंसर जीरो आता, वन अपॉन जीरो आ रहा है तो उसका मतलब क्या आएगा आपके अनडिफाइंड आएगा, अनडिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये बोला है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड एक ही बात है, तो ये जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा भी आपके एकदम ट्रू हो जाएगा। अगर आप कॉट जीरो डिग्री लेते हो तो वो अनडिफाइंड आता है।